बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। स्लग अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 8 को आजीवन कारावास की सजा। रिपोर्टर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 तालेवर सिंह ने अपहरण कर फिरौती मांगने के 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। एडीजीसी अभिनव कुमार उर्फ आनंद जंघाला ने बताया, थाना बढ़ापुर के ग्राम नूरपुर अरब निवासी रविंद्र सिंह के पुत्र नवनीत का 5 नवंबर 2013 को अपहरण हो गया था। 11 नवंबर 2013 को उसके मोबाइल पर कामिल ने कॉल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने उसके बेटे नवनीत को बरामद कर अपहरण करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में कामिल, मेहरबान, सारिक, सरफराज, इरफान, शहजाद, परवेज, सद्दाम, नवाब, इरशाद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी अभिनव कुमार के अनुसार मुकदमे के दौरान इरफान की मौत हो गई थी। इस मामले में सरफराज और सद्दाम सोमवार को कोर्ट में पेश हो गए, जबकि शहजाद अभी भी फरार है। इसके चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 तालेवर सिंह ने सोमवार को कामिल, मेहरबान, शारिक बंजारा, सरफराज, परवेज, सद्दाम गुर्जर, नवाब गुर्जर व इरशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाइट सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिनव कुमार। 5/11/2013 की घटना है। सरदार रविंदर सिंह थे, ग्राम नूरपुर अरब बढ़ापुर थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ उनके डेरे पर 10 लोग घुसाए थे अंदर और उनकी पत्नी के सामने, उनके नौकर के सामने उनके लड़के रविंदर सिंह के लड़के का अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद उनसे फिरौती मांगी गई थी। उसमें 10 लोग इन्वॉल्व थे, मिलजुल थे। 10 में से 1 की डेथ हो गई थी, 9 को सजा हुई आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हुई सबको, ये एडीजे कोर्ट नंबर 2 में।